चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। रोज नए नए बयान देते हैं, रोज रैलियां करते हैं और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं। आम्रपाली दुबे नहीं, अखिलेश यादव पर निशाना नहीं साधते, ऐसी सोच पर निशाना साधते हैं जो बहुत टाइम से चली आ रही है और जो कि गलत है। जैसे कि हम नेपोटिज्म की बात हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में करते हैं, तो वैसा ही नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में भी नहीं होना चाहिए। और दिनेश जी की सोच के हिसाब से वो नेपोटिज्म गलत है, तो वो किसी पर्टिकुलर आदमी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो उस जातिवाद वाली सोच को टारगेट कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिनेश जी इज़ डूइंग रियली नाइस जॉब और मेरी और हमारी पूरी इंडस्ट्री की बेस्ट विशेज़ है दिनेश जी के साथ। जब दिनेश जी बुलाएंगे तब हम लोग सब पहुंच जाएंगे। एंड आई थिंक एक शो होगा शायद वो जब लास्ट डे होगा प्रचार का, तब शायद एक शो करेंगे इंडस्ट्री के लोगों के लिए एंड वी विल ऑल गो एंड सपोर्ट दिनेश। अच्छा, आप जहाँ से हैं गोरखपुर, वहाँ से आपके दूसरे मित्र रविकिशन जी लड़ने जो आपको जी मानते हैं जी चुटकी कहते हैं जी, उनके लिए प्रचार करने का मैं जब भी रवि जी बुलाएंगे आई विल ऑलवेज गो गोरखपुर, तो मैं जाऊँगी और उनके लिए पक्का प्रचार करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गोरखपुर की सीट वापस आए और मैं ज़रूर प्रचार करूँगी रवि जी के लिए जब भी वो बुलाएंगे। अच्छा, जब ये सारे आर्टिस्ट गए तो ये कहा जा रहा था कि आम्रपाली को गोरखपुर से लड़ने वाली है, आम्रपाली को टिकट मिल रही है। ओ माय गॉड, नहीं, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। देखिए, ये सब जो रूमर्स है कि मैं पॉलिटिशियन बनने वाली हूँ ये गलत है, मैं जल्दी शादी करने वाली हूँ ये भी रूमर मुझे सुनने में आया ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम कम्प्लीटली कमिटेड टू माई वर्क, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ और अपने काम पर फोकस कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे करने दे, मेरी शादी के बारे में और मेरे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बारे में मत सोचिए क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा, ये तो चलिए क्लियर हो गया, मैं पूछूंगा नहीं। अब सवाल यही है आखिरी कि बेरोपुरा ने कहा कि वो फिल्में कम करेंगे जी, तो कहा कि मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, मेरे को बड़ी बात कही जी। ठीक है, तो अब आम्रपाली कंटिन्यू करेंगे क्या, आम्रपाली के क्या प्लान्स आगे, क्योंकि निरहुआ की जो जोड़ी है बेसिकली, अब निरहुआ आम्रपाली में से निरहुआ भाई अलग होते दिख रहे हैं। हे भगवान, ऐसा मत बोलिए। दिनेश जी जितनी भी फिल्में करेंगे आई एम श्योर कि वो बेस्ट फिल्में करेंगे, चाहे वो साल की एक फिल्म क्यों ना करें, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाएगी कि वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे ऊपर अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं कंटिन्यूसली काम करूँगी और अपनी ऑडियंस को हमेशा ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँगी जब तक वो मुझे देखना चाहेंगे। अच्छा, पिछले करीब एक महीने से मुझे लग रहा है निरहुआ पॉलिटिक्स वाली जिम्मेदारी में लगे हुए हैं जी, आम्रपाली के साथ शूट कर रहे थे ठीक है, वहाँ से दिनेश भाई ठीक है छोड़ के चले गए जी, अब वो पॉलिटिक्स पे ठीक है कर रहे जी, आम्रपाली को याद नहीं आते क्यों, याद क्यों करेंगे हमको, जब मन करेगा दिनेश जी को फ़ोन करेंगे, रवि जी को फ़ोन करेंगे, मनोज जी को फ़ोन करके बात कर लेंगे, इसमें याद करने की क्या बात है। शूटिंग पे साथ होते थे ना अभी तो, लेकिन काम में बिजी है तो हम डिस्टर्ब थोड़ी कर सकते, ऐसे तो कितनी फिल्में जब वो अलग शूटिंग करते हैं तो हम लोग थोड़ी डिस्टर्ब करने जाते हैं। लेकिन मैं खाली यही होप कर रही हूँ कि वो जो काम अभी कर रहे हैं उस काम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों और भगवान उन्हें जीत दिलाएं, और उसके बाद जब हम फिल्म करेंगे तो ये पूरी कसर पूरी करेंगे, बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग कोई उनको मिस नहीं कर रहा, हम सब चाहते हैं कि वो अच्छे से काम करें। निरहुआ जीतेंगे क्यों ऐसा लगता है आपको? आई थिंक हम सब दिनेश जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, दिनेश जी इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, बहुत ही जेन्युइन इंसान है और एक बहुत ही जेन्युइन पार्टी के साथ उनका उन्होंने शुरुआत की है अपने पॉलिटिकल करियर में, उनकी सोच बहुत ही अच्छी है, वो रूढ़ीवादी जातिवादी सोच को पछाड़ना चाहते हैं और लोगों को नई दिशा दिखाना चाहते हैं और मैं उस सोच से बहुत सहमत हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि दिनेश जी जीतें और मुझे पक्का यकीन है कि दिनेश जी जीतेंगे। आई थिंक हमारी भाषा को मान्यता दिलवाना चाहिए, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे, मनोज जी से, रवि जी से, सबसे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आंख बंद करके कमल का बटन दबाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए, इस देश के
अच्छे भविष्य के लिए और बेहतर भविष्य के लिए आप लोग प्लीज़ इलेक्शन के दिन अपने घरों से बाहर निकलें, वोट करें, डू वोट। आपका वोट बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्रेशियस है। प्लीज़ जाइए और जाके वोट करिए, कमल का बटन दबाइए। आपने दिनेश के लिए या फिर मोदी के लिए कोई गाना नहीं गाया, सारे लोग गा रहे हैं। जी जी, मैं गाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छा एकदम धमाकेदार गाना बना के गाऊँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था अभी बहुत दिन से, एंड प्लस आई वॉज हैविंग अ थ्रोट इन्फेक्शन ऑल्सो। बट जैसे कोई अच्छा गाना तैयार होगा मैं ज़रूर गाऊँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।